में बोल रखा है प्रूव दैट साइन ऑफ ए का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेक ऑफ ए माइनस बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन इसको कॉशिश स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ sec ऑफ ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर cos ऑफ ए माइनस बी की, cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, इस तरीके से। एंड यहाँ पर अपन को ए एंड बी बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 दे रखा है, सो मींस ये पॉजिटिव होगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इससे। सो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, साइन ऑफ ए का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर अपने पास साइन ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए का क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बी, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर अपन किससे करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज आ जाएगी अब यहाँ पर तुम इसको देखोगे तो। सो इस तरीके का आ गया। अब अपन को ये प्रूफ करना है, अब अपनी इनइक्वालिटी इसमें चेंज हो गई और इसको अपन इजिली कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है कि समेशन ऑफ ए आई बी आई का जो पूरा होल स्क्वायर होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पर ये नंबर्स है। सो यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर जैसे ए वन ए टू अप टू ए एन ऐसे नंबर्स है, बी वन बी टू अप टू बी एन ऐसे नंबर्स है। सो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ऐसे नंबर्स का, इसका इसके साथ किया, फिर इसका या इसके साथ, फिर ऐसे किया पूरा प्रोडक्ट और ऐड कर दिया उनको, फिर उसका होल स्क्वायर किया, तो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर आई की वैल्यू 1 to n मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ बी आई स्क्वायर आई की वैल्यू 1 to n। सो इस तरीके से, तो यहाँ पर अपन क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये है तो इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ ए का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी, वैसे ही यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ ए का क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बी। एंड यहाँ पर अपन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ए कॉस बी ले सकते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए साइन भी ले सकते हैं, ये 4 नंबर अपन ले सकते हैं। और अब अपन क्या करते हैं, ये जो चीज है उसका अपन को इसके साथ, ये दो सेट नंबर्स है और ये दो अलग सेट का नंबर्स है, यानी इसको तुम ए वन बोल दो, इसको ए टू बोल दो, और इसको तुम बी वन बोल दो, इसको बी टू बोल दो, और अब इस पे कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा दो। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आएगा, ये पूरी जो चीज है वो तो अपना पी हो जाएगा, इसको पी बोल देता हूँ, तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारे पास साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा अगर तुम देखोगे तो सिंपली, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ पर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा और यही अपन को प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने यहाँ पे कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ किया है। तो जैसे वो साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर कैसा आया, जब तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये साइन ऑफ ए की पावर 4 बचेगा जो कि बेसिकली साइन ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस चीज को इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वो कॉस ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा, और फिर उन दोनों को ऐड किया और फिर उसका स्क्वायर करना है। सो फिर मैंने वही किया है यहाँ पर, और इस तरीके से इधर देखोगे तो यहाँ पर ए आई का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड करना है। तो बेसिकली इस तरीके से अपन ने यूज किया है। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।